नमस्कार दोस्तों, सिविल वर्क सुरेंद्र कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक जो है सीढ़ी के साथ एक रूम का जो है वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 3D मॉडल है आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें सीढ़ी भी है और साथ ही साथ रूम भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हमने बेड भी जो है सोने के लिए और रेस्ट के लिए हमने लगा रखा है। तो दोस्तों ये हमने एक व्यूवर्स के रिक्वायरमेंट पर जो है इसको बनाया है, जिनका आप स्क्रीन शॉट देख सकते हैं साइड में, कि इन्होंने लिखा है कि सर 10x10 में सीढ़ी के साथ में रूम बनाकर जो है दिखाएं और बताएं। तो दोस्तों ये उसी का दोस्तों वीडियो है, उन्हीं के लिए दोस्तों ये बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको ये पूरा 3D व्यू आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ PDF मैं अवेलेबल करूंगा। PDF का जो है डिटेल्स आपको पढ़कर बताऊंगा, पूरा डिटेल्स आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, ताकि आप सीढ़ी के साथ अगर रूम बना रहे हैं 10x10 का जगह है तो आप किसी भी तरह से फंसे नहीं और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले अपने PDF पर और देखते हैं दोस्तों उसमें क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद मैं दोस्तों फिर 3D मॉडल पर लेके आऊंगा और इसमें भी और बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने PDF फाइल पर आ गए हैं और उसी का जो है ये PDF फाइल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसी रूम का जो है ये PDF फाइल है जिसमें हमने सीढ़ी बनाया है और साथ ही साथ रूम भी बनाया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रूम का डायग्राम है 2D प्लान और ये सीढ़ी का है, मतलब दोनों आपको अलग अलग PDF फाइल मिलेगा। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़कर अपने यहाँ जो है इस तरह का जो है कम जगह है तो सीढ़ी के साथ रूम कैसे बनाएं। इसमें ज्यादा दोस्तों रूम में तो जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीढ़ी बनाने के बाद अंदर में आपको जगह मिलता है वो 6 फीट 2 इंच × 6 फीट, यानी 6x4 का आप यहाँ पर कोई चौकी पलंग या बेड जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं और दो आदमी जो है इजीली रेस्ट कर सकते हैं। दो आदमी के लिए बहुत फर्स्ट क्लास इसमें जो है आराम करने के लिए आरामदायक ये रूम बन सकता है। साथ ही साथ इसमें विंडो होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है इसमें अच्छे से आराम कर पाएंगे, नहीं तो दोस्तों इसमें गैस जो है वो ज्यादा भर जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले हम सीढ़ी वाले फाइल पर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये सीढ़ी वाला डिटेल्स है, या आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो प्लॉट एरिया है 10x10 फीट का, अगर आपके पास प्लॉट एरिया है तो आप दोस्तों बड़े आराम से जो है इसको बनवा सकते हैं। स्टेप साइज की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि कम जगह है, तो कम जगह होने के कारण दोस्तों हमने यहाँ पर जो है स्टेप जो दिए हैं वो 9 इंची के दिए हैं। राइजर्स की बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है कि जगह कम है और इसका हाइट जो है दोस्तों 11 फीट है, यानी 133 इंच, 11 फीट 1 इंची। तो उसके वजह से दोस्तों यहाँ पर जो हम राइजर इसमें प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉट डाउन है 7 इंची। नंबर ऑफ स्टेप, जो स्टेप आपको मिलते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ स्टेप, तो वो यहाँ पर आपको 12 स्टेप मिलते हैं, जिसमें कि क्रॉस स्टेप जो है माइनस है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ राइजर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल राइजर आपको है 19 मिलने वाले हैं। 19 को आप 133 से डिवाइड कर दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको 7 इंची का राइजर निकल कर आ जाएगा। स्टेप की स्पान की बात करें अप्रोक्स, तो यहाँ पर आपको 33 इंची मिलने वाला है, यानी कि 2 फीट 9 इंची, ये अप्रोक्स है दोस्तों। तीनों लेयर में जो है आपको अलग अलग देखने को साइज स्पान जो है वो मिलेगा। आगे और भी है इसमें डिटेल्स। कॉलम साइज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 10x10 इंची का कॉलम साइज आपको मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, तो यहाँ पर 4 कॉलम आपको जो है देखने को मिलेंगे, और 4 कॉलम देना कंपलसरी है क्योंकि इसमें सीढ़ी का लोड भी सहन करना है। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो वॉल थिकनेस की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इंची जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इंची का जो है मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर जो वॉल थिकनेस है दोस्तों वो 5 इंची का मिलने वाला है, और नंबर ऑफ वॉल्स की बात करें तो यहाँ पर 4 वॉल मिलने वाले हैं, 1, 2 और 1, 3 और 1 इधर में 4। उसके बाद दोस्तों सेंटर गैप की बात करें कि रेलिंग लगाने के लिए सेंटर में गैप होना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने गैप प्रोवाइड नहीं किया है क्योंकि नीचे रूम है, गैप अगर प्रोवाइड करेंगे तो ऊपर से जो दोस्तों कचरा गिरता रहेगा, इसके वजह से दोस्तों गैप यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और रेलिंग के जगह पर दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंची का वॉल जो है खड़ा किया गया है, जिसको प्लास्टर वगैरह आप कर दीजिएगा तो दोस्तों ये 4 इंची के करीब जो है इसका थिकनेस हो जाएगा। तो उसके बाद फर्स्ट लेयर स्टेप्स की स्पैन की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फीट 8 इंची है। सेकेंड लेयर स्पैन की बात करें दोस्तों, जिसको मिड लेयर स्टेप्स स्पान बोल सकते हैं,
ये 2 फीट 10 इंची है, और लास्ट लेयर का जो है एंडिंग लेयर में आप देख सकते हैं कि 2 फीट 10 इंची यानी कि 34 इंची टोटल हाइट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 133 इंची दोस्तों आपको टोटल हाइट मिलता है, जिसमें आप डिवाइड करेंगे 19 तो आपको 7 इंची का राइजर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कॉन्टैक्ट 2D एंड 3D प्लानिंग डिजाइनिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6200678917, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग या व्हाट्सएप को जो है आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग सेकेंड प्लान पर, जो कि आप देख सकते हैं रूम का प्लान है। तो यहाँ पर दोस्तों सीढ़ी बनाने के बाद जो आपको अंदर का जगह मिलता है वो 6 फीट 2 इंची 6 फीट 4 इंची यानी आप 6x4 का कोई बेड चौकी वगैरह इसमें आप डालकर 2 लोग आराम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका आप देख ही सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट जो है वो बाहर बाहर एरिया है, अंदर अंदर जो रूम आपको मिलता है वो 9 फीट 2 इंची 9 फीट 2 इंची का मिलता है। इसी में सीढ़ी के साथ जो है मैं रूम का अरेंजमेंट किया है। तो ये दोस्तों दोनों पीडीएफ फाइल का डिटेल्स था, जैसा कि स्टेयर्स और ये रूम दोनों का मैंने डिटेल्स आपको पढ़कर बता दिया। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने लिए कोई 2D एंड 3D प्लानिंग डिजाइनिंग का काम आप कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 6200678917 पर, जो कि व्हाट्सएप कॉलिंग है और व्हाट्सएप चैट के लिए अवेलेबल है। अब चलते हैं दोस्तों हम 3D मॉडल पर, और यहाँ पर देखते हैं और अंदर में आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसमें जो है बेड डालकर जो है आप आराम कर सकते हैं, 2 लोग कैसे इसमें सो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सीढ़ी है, यहाँ से आप ऐसे जाइएगा और इसके बाद इधर और इधर और यहाँ पर छत पर जो है आप चले जाइएगा। और जिस रेलिंग की मैं बात कर रहा था वहाँ पर रेलिंग नहीं हमने यूज किया है, यहाँ पर ब्रिक्स का जो है वॉल जो है यूज किया गया है 2.5 इंची का, जिसको आप अगर प्लास्टर वगैरह करते हैं तो ये 4 इंची का जो है 4 इंची थिकनेस में जो है ये वॉल आपका बनेगा। तो दोस्तों ये था कुछ ये सीढ़ी, जो कि आप इधर से ऐसे आते हैं, इधर जाते हैं, इधर आने के बाद इधर आप जो है रन करेंगे इस तरह से। इसके नीचे जो 6 फीट 2 इंची 6 फीट 6 इंची का जगह बचता है, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो 6x4 का कोई पलंग चौकी आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इतना जगह आपको मिलता है, और सीढ़ी का जो वेस्ट स्लैब का हाइट है वो आप देख सकते हैं कि कितना है। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा शो करने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो यहाँ पर हाइट मिलने वाला है वो आप कम से कम 2.5 फीट मिलने वाला है यहाँ, और उसके बाद इधर तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इधर तो आपको कोई तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बाद इधर में इतना जगह आपको मिल जाता है आने जाने के लिए, और दोस्तों इसमें आप एक बेड से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जगह कम है, और कम जगह में दोस्तों हमने सीढ़ी के साथ जो है एक रूम भी तैयार कर दिया है। इस तरह से आपको जो है रन करने के लिए सीढ़ी मिलेगा। दोस्तों एक बात और जो जरूरी है मैं आपको बता देना चाहूँ कि जब आप सेकेंड फ्लोर का जब सीढ़ी बनाएंगे दोस्तों तो इस तरह से नहीं बन पाएगा, इसके लिए दोस्तों थोड़ा दूसरे तरह से जो है आपको इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा। सीढ़ी तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन इधर जाएगा, और इधर जाने के बाद ये इधर तक आएगा लास्ट दीवार तक, उसके बाद इधर आएगा और फिर ऐसे जाएगा, तब जाके दोस्तों ये जो है आपका सीढ़ी पूरा हो जाएगा और ऊपर में आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं सिर्फ सीढ़ी के अलावे। तो ये दोस्तों ये अंदर का सीन है, आप देख सकते हैं कि अंदर का सीन जो है आपको ऐसा मिलता है। एक बार इसे भी आप देख लें क्योंकि जब आप शटरिंग कराएंगे तो इस तरह से जो है आपको कराना होगा। देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है वेस्ट स्लैब है। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिना जो है रेलिंग वाल के खड़ा किए आपको जो जगह मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। और दोस्तों जब आप फाइनल करते हैं इसको तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको अंदर घुसा कर दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है इस तरह से जो है जगह मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडो देना बहुत ज़रूरी है, एक तो आप अपने रूम के लिए दे सकते हैं चाहे इस वाल में दें या पीछे बैक वाल में दें, और आपको एक सीढ़ी के लिए विंडो प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोस्तों यहाँ पर जो है इधर से पैक है तो अंधेरा ही रहेगा, अगर आप विंडो नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो सकता है। इसके वजह से दोस्तों एक यहाँ पर विंडो देना ज़रूरी है ताकि यहाँ से जब रोशनी फॉक्स मारे तो दोस्तों ये पूरा जो है सीढ़ी उजाला रहे, अन्यथा आप जो है इधर से जो है एक विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं पीछे से, ये और ऊंचा जब होगा तो यहाँ से आप जो है विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं जिधर भी आपका जगह हो
उधर से आपको विंडो देना बहुत जरूरी है, रूम के लिए भी और सीढ़ी के लिए भी। तो दोस्तों ये था कुछ इस प्रकार से आपके लिए मैंने बनाया 10 फीट बाई 10 फीट में रूम के साथ सीढ़ी। तो आपको कैसा लगा ये दोस्तों गौरव नियर के लिए था, इनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बाकी व्यूअर्स को यह वीडियो कैसा लगा। आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है तो हमें चैट सेक्शन में कमेंट करें ताकि आपके रिक्वायरमेंट को भी हम पढ़ सकें और हो सके तो आने वाले समय में आपके लिए वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें।